बाल टूट रहे थे, मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि बाल इतना झड़ क्यों रहा है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। और क्या हाल चाल है? तो आप लोग पीछे का सब इग्नोर करिएगा, बहुत ज़्यादा सब फैला हुआ और ऐसे ही फैला रहता है। हम लोग नहीं वो कर पाते हैं, कभी कभार मूड होता है तो बहुत अच्छे से रख देते हैं, फिर पूरे वीक में पूरा फैल जाता है। तो आज है संडे, वैसे रूम की क्लीनिंग वगैरह हो गई है पर बहुत सारा सामान है, हम कहाँ रखें। ठीक है, ये खाने पीने वाली चीज़ें होते ख़त्म हो जाएंगी। तो कैसे हैं आप लोग और कहाँ कहाँ के लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, लेट मी कमेंट डाउन कि आप कहाँ से हैं, किस जगह से हैं। और हम तो बनारस से हैं, मेरा जो घर है वो बनारस है। फिलहाल मैं प्रयागराज में रहती हूँ क्योंकि मेरी जो पढ़ाई है वो प्रयागराज से चल रही, बाकी मैं रहने वाली प्रॉपर मैं बनारस की हूँ। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन भी होता है कि मैं सोनभद्र, तो नहीं, मेरा घर सोनभद्र नहीं है, मैं बनारस की रहने वाली। आज है संडे, मीन्स आज है 5 मई और आज है नीट का एग्ज़ाम। और मैं इस चीज़ को रिलेट कर सकती हूँ, जब मेरा पिछली बार एग्ज़ाम था तो मेरे अंदर क्या हो रहा था, क्या मतलब बहुत सारा एन्जाइटी होता है, बहुत सारा डर होता है, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, बहुत सारे टेंशन और डिप्रेशन होते हैं। सबसे बड़ा टेंशन होता है रिश्तेदारों का, घर वालों का, कि एग्ज़ाम दे के आएंगे तो उनको क्या जवाब देंगे। और एग्ज़ाम के बाद उनका फ़ोन भी आता है, जो भी आपके चाहने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, सबसे पहले उनका फ़ोन है, पेपर कैसा हुआ, पेपर उसका हेडक भाई साहब। तो आप सभी लोग को जो भी नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप सभी लोग को ऑल द बेस्ट। और आज है संडे और अभी मेरा 18 मई से मेरा सेकेंड टर्मिनल का एग्ज़ाम है, तो इसीलिए मैंने बोला था कि मैं वीडियो डाला थोड़ा बंद कर दूंगी। ये अभी जाएगा, उसके बाद मैं भी शायद जैसे जैसे मेरा एग्ज़ाम नज़दीक आएगा वैसे वैसे सारा मेरी जो एक्टिविटी है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, वो बहुत कम हो जाएगी। पिछली वीक मतलब इस वीक मैंने सिर्फ एक इंस्टाग्राम पे वीडियो डाला है और बाकी अब देखते हैं नेक्स्ट वीक मैं डालती हूँ कि नहीं, क्योंकि भाई जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है प्रेशर बढ़ते जाता है। तो हमारा सेकेंड टर्मिनल का एग्ज़ाम है और आपको जून में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिल रही है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा धमाका है, मतलब सरप्राइज़ है, मैं आपको जून में बताऊंगी और आप लोग स्टे ट्यून रहना। और मैं इस टाइम थोड़ी सी बहुत ज़्यादा दुखी हूँ क्योंकि भाई मेरी ज़िंदगी में इस टाइम बहुत ज़्यादा ही सूनापन आ चुका है, क्योंकि जो मेरे मम्मी पापा हैं, जो मेरे मम्मी पापा जिसने मुझे जन्म दिया है, और मेरे जो सास ससुर हैं वो लोग मेडिटेशन चले गए हैं। मेरे मम्मी पापा जो है वो 45 दिन के लिए गए हैं महाराष्ट्र इगतपुरी में, और मेरे जो सास ससुर हैं वो गए हैं श्रावस्ती मेडिटेशन। तो इन्हीं 4 लोग हैं ऐसे लोग जिनसे मेरा बहुत बात होता है, मतलब मम्मी और फिर ससुराल से मेरे सास ससुर का ही फ़ोन आता था। तो इस टाइम ज़िंदगी एकदम सूना सूना सी ही मेरी है, मतलब ना किसी का फ़ोन है, ना कुछ है, ना कुछ भी नहीं। एक इंसान मेरे जो डैडी थे, मेरे ससुर जी, उन्हीं का ही ऐसा इंसान थे जिनका फ़ोन आता है। और बाकी तो मैं सबको फ़ोन करती हूँ कि क्या है कैसा है, बहुत मतलब ऐसे काम होता है तब लोगों का फ़ोन आता है, नहीं तो बाकी मैं सबको फ़ोन करती हूँ जिससे मुझे ऐसे बात रहता है, जिससे मेरा अटैचमेंट रहता है, मैं उसको कॉल करती हूँ। ऐसा नहीं, मैं अपनी रिश्तेदारी बहुत कम लोग से मेरा बनता है, पर मैं जिससे भी बनता है मैं पूरी अच्छे से निभाती हूँ। तो इस टाइम मेरे फ़ोन पे किसी का भी फ़ोन नहीं आ रहा है सिवाय मेरे हस्बैंड के। तो बहुत ज़िंदगी सूनी पड़ी है, बहुत 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 ज़्यादा। तो आप लोग को मैं थोड़ा सा ही क्लिप, ज़्यादा है नहीं, थोड़ा सा क्लिप मैं ऐड करती हूँ और आप लोग देखो। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो टेबल है कुछ ऐसे बिखरा पड़ा रहता है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप आप लोग के साथ शेयर किया जाए, है ना। ये लाइब्रेरी का है, जब मैं लाइब्रेरी में जाती हूँ तो कैसे पूरा फैला रहता है यार, पढ़ना बहुत है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है। और मैं ना सजेशन देना चाहती हूँ हर एक लड़की को
जैसे मैं रिलेट कर पा रही हूँ, जैसे मेरी शादी हो गई है तो मैंने अपना घर में बैठ के नहीं वो किया। अगर आप पढ़े लिखे, आपकी डिग्री बहुत अच्छी है, तो आपको बाहर निकलना चाहिए, कुछ करना चाहिए। दाल चावल सब्जी रोटी बनाना एक अच्छी बात है, किचन घर संभालना बहुत अच्छी बात है, पर कुछ करना उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ मेरा पार्सल आया था, तो मैंने यहाँ पर 50 के सेट में मैंने 50 के सेट में मैंने ये पेन मंगाया, क्योंकि यार बार बार पेन जो ख़त्म हो जाते हैं, तो एक दो खरीदे में अच्छा नहीं लगता है। तो ये मैंने पहले भी ख़रीदा था, तो इसलिए पेन मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने दोबारा लिया। और यहाँ पे लास्ट मतलब कल सैटरडे को हमें हॉस्पिटल ले जाया गया हम लोग को विज़िट कराने के लिए, वहाँ दिखाने के लिए। तो हमें महीने में एक दो बार हमें हमारे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, ताकि हम लोग पहली बार जाके ऐसे चौंके ना। और आज सुबह के 8:30 बज रहे हैं, तो मैं आपको दिखा रही हूँ 8:24 हो रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं जाऊँगी नहाने धोने, क्योंकि सुबह सुबह नहा लो तो थोड़ा अच्छा लगता है। और रात को मैंने बहुत सारी ऑयलिंग की थी, तो आपको देख के देखिए बहुत सारा, क्योंकि बाल बहुत झड़ गए हैं, तो थोड़ा सा बहुत चिपको चिपको लगता है। तो आप लोग ब्लॉग देखो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। पिछली वाली वीडियो भी अच्छी गई थी, उसके पिछली भी बहुत अच्छी गई थी, तो थैंक यू सो मच। और बहुत जल्दी मैं एग्ज़ाम जैसे ही ओवर होगा, मैं आप लोग को बहुत बड़ा धमाका सरप्राइज दूंगी, और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।